नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 3 दिवसीय फैशन स्प्लैश 2023 का आयोजन हुआ, तो यहां पर फिल्मी हस्तियां, डिजाइनर, मॉडल भी मौके पर पहुंची और उन्होंने छात्र छात्राओं का जमकर उत्साहवर्धन किया, मनोरंजन किया। छोटे पर्दे और टीवी सीरियल तथा वेब सीरीज की सुपर मॉडल अदाकारा राधिका भी यहाँ पर पहुंची। राधिका गौतम ने विशेष वार्ता की है बारोर बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से और उन्होंने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बेबाक तरीके से दिए। जब उनसे पूछा गया कि फिल्मी लाइन में क्या शारीरिक शोषण एक अवधारणा बनी हुई है या ऐसा संभव है, तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों पर डिपेंड करता है कि कलाकार और प्रोड्यूसर या दूसरे जो इस फिल्मी दुनिया में जुड़े हुए हैं उनका कैसा नज़रिया है। उन्होंने कहा यदि स्वयं कोई भी ठीक है तो फिर ऐसा नहीं होता है। उन्होंने फिर भी ये भी कहा कि वेब सीरीज़ के मुकाबले उन्हें फिल्मी बड़े पर्दे पर फिल्मों का शौक है, उनका सपना है और वो जल्द ही बड़े पर्दे पर नज़र आएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो कार्यक्रम चल रहा था श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, उसमें छात्राओं को साफ संदेश दिया कि बेटियों को आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उन्हें अपने और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहिए, किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर भी विशेष बल देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने काफ़ी वार्ता की है मीडिया से, वो रूबरू हुई और जो SD जो यहाँ पर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संस्थापक तथा चेयरमैन थे डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ, उनके साथ वो मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया से वार्ता करते हुए पहले सुनवाते हैं क्या बात उन्होंने की, सुने उन्हीं की जबानी। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैशन इवेंट फैशन स्लैश 2023 और ये हर साल होता है इवेंट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम द पार्ट ऑफ दिस बिग इवेंट एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग आई एम श्योर and celebrities are coming over myself. Mera naam hai Radhika Gautam. I am a model and actor by profession and I have done more than 100 TVCs, digital ads and I am working in web series, short films and Bollywood movie as well and there are many. That's it and wish you all the best. Thank you everyone. Bahut jaldi wo release hone wali hai, it's in post editing. To abhi dubbing wagera bhi chal rahi hai. और बाकी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है मलिका शेरावत के साथ, इट विल रिलीज ऑन MX प्लेयर। एक और मूवी भी आ रही है जो MX प्लेयर पर रिलीज होगी, रोड रॉबर्स के नाम से है, जिसके डायरेक्टर है रंजन शाह। और बहुत सारे हाँ आके मूवीज बना रहे हैं, जो मेरी लव करो या शादी मूवी है वो भी यूपी में ही बनी है, आगरा में और लखनऊ में और उसका कानपुर में शूट हुआ है। सुनेगी राधिका गौतम। राधिका गौतम वो नाम है जिन्होंने मॉडल एक्ट्रेस में अपना नाम कमाया है और आज श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट्स को वो खास वो संदेश देके जा रही है कि बेटी पढ़े, बेटी को बचाना है और बेटी को आगे भी लाना है। स्वागत है आपका, कैसे देखती है आप तो मुजफ्फरनगर पहली बार आई है? तो ये थी राधिका जी के साथ जिन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है और जल्द से जल्द हम फिल्म में बनाने जा रही है। मैंने एक और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली जी, बेटर बारोर बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।
इसके अलावा विदेश से भी मॉडल और एक्ट्रेस श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस फंक्शन में पहुंचे थे। रशियन एक्ट्रेस तथा मॉडल से चीफ एडिटर आरिफ इश्मेली की विशेष वार्ता हुई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में आई लव इंडिया कहकर भारत के प्रति अपना प्रेम जताया। यहाँ के लोगों को उन्होंने बेहद अच्छा बताया। उन्होंने श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। अपने परिधान इंडियन परिधान को पहनकर उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया और उन्होंने जमकर सराहना की है विशेष वार्ता में। इसके अलावा कई कलाकार यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने भी इंडिया की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने यहाँ पर प्रदूषण की समस्या को भी उठाया और कहा कि एनसीआर के अंदर काफ़ी प्रदूषण है, जबकि उनको काफ़ी समस्या का सामना इस बाबत करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं को मॉडल तथा फैशन डिजाइनिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में बिल्कुल बेझिझक होकर आगे आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी देश में पीछे नहीं बने रहने का बहुत बड़ी अपडेट है। मेरे साथ आरिफ शीशु जी से लेकर पार मुजफ्फरनगर कार्यक्रम यादगार बना और 3 दिन के इस कार्यक्रम